हेलो, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन बेस की इस खास वीडियो में। सोने और चांदी में आज भारी बदलाव देखने को मिला, लेकिन इससे पहले सोने और चांदी को लेकर एक बहुत ही बड़े काम की खबर है जिसे जानना आप सभी के लिए जरूरी है। लेकिन इस खबर को जानने से पहले आप सभी से प्यारा सा छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आपने गोल्डन बेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबा दे। वही सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो भारत और चीन के बीच में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। इसका परिणाम यह है कि भारत में चीनी कंपनियों का बहिष्कार हो रहा है। आपको बता दूं कि भारत में कई सारी बड़ी चीनी कंपनियां करोड़ों अरबों का पैसा कमा रही है। अगर यह बहिष्कार अपने चरम पर पहुंच जाता है तो भारत के कई बड़े कारोबारियों को अरबों का फायदा होगा, जिसका सीधा असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिलेगा, जिससे कि आने वाले कुछ दिनों में सोने और चांदी के भाव में भारी गिरावट देखी जाएगी। हालांकि कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि 2021 में तेजी आएगी। उनका ये कहना है कि सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी आती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो लगातार सोने और चांदी ने काफी बड़ा रिटर्न दिया है। यानी कि सीधी सी भाषा में समझे तो निवेशकों के लिए यह समय शानदार माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में सोने में तेजी आएगी। और अगर पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें तो सोने में लगातार तेजी आ रही है, जिसे कि कई सारे निवेशकों ने बहुत ही अच्छा पैसा बनाया। ऐसे में जानकारों का यही कहना है कि सोना कई सारे निवेशकों को मालामाल कर देगा। वही कीमतों की बात करें तो आज 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव 47,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वही चांदी की कीमतों की बात करें तो चांदी का भाव 48,140 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है। वही भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमतों की बात करें तो यहां पर चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ोदरा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरै, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस यहां पर आपको दी गई है। चलिए तो इसी के साथ में नीचे कमेंट करके अपने राज्य का नाम भी जरूर लिखे, ताकि आपके राज्य की कोई भी बड़ी खबर हो तो हम यहां पर तुरंत ही दे सके।